तो गाइज आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हमारी Xiaomi Mi TVs के लिए। तो गाइज Xiaomi ने जो है TVs के मामले में एक तरीके से पकड़ सी बना ली है इंडिया में, क्योंकि आपको एक से बढ़कर एक TV जो है बजट में देखने को मिल जाती है। जो मेरे पास TV है वो उसका जो नाम है वो Mi TV 4 55 इंच है, जो सबसे पहले आई थी। लेकिन इस वीडियो में जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक बताने वाला हूँ वो सारी Mi TV पे एप्लीकेबल है, तो उसकी आप टेंशन मत लो कि यार इस TV में ही है बाकी TV में नहीं चलेगा, ऐसा कोई भी सीन नहीं है। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके सारी Mi TVs में चलने वाली है। उसके साथ साथ Mi ने बहुत सारी TVs जो है निकाली है, तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सारी TVs की, आप वहां से जाके देख सकते हैं कि भाई कौन से साइज में आपको कौन सी TV मिल रही है। तो गाइस बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा रेड से कलर का, उसको आपको प्रेस कर देना है, सब्सक्राइब हो जाना है, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है आप लोग देखते रहें। तो गाइस मेरा नाम है नमन, आप देख रहे हैं techplusgadgets.com, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस सबसे पहली ट्रिक ये है कि आप अपने स्मार्टफोन के थ्रू जो है अपनी Mi TV को कंट्रोल कर सकते हो, और उसके लिए आपको कोई IR ब्लास्टर वाले फोन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कोई भी स्मार्टफोन यानी कि एंड्रॉइड फोन के थ्रू TV को कंट्रोल कर सकते हो। उसके लिए सिर्फ आपको एक चीज का ध्यान रखना है, वो ये है कि भाई आप अपने फ़ोन के वाईफाई को सेम नेटवर्क पे कनेक्ट करना है जिस नेटवर्क पे आपका टीवी कनेक्टेड है। बस उसके बाद आपको सिंपली ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। इस एप्लीकेशन का जो नाम है वो Mi रिमोट है। आपको सिंपली इस एप्लीकेशन को जो है टैप करना है, उसके बाद जो है आपको यहाँ पे Mi TV लिविंग रूम का ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर आपको जो है टैप करने के बाद सारे कंट्रोलर जो है टीवी के जो भी होते हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। उसके बाद इसको जो है आप टैप करके कंट्रोल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं जो है नीचे की तरफ स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये अपने आप जो है स्क्रॉल हो रहा है। उसके अलावा आप वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन के भी जो है बटन को यूज करके वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हो, पावर ऑन ऑफ कर सकते हो, होम बटन को यूज कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं कि भाई बहुत सारी जो फंक्शनैलिटी है आप सिर्फ अपने फोन से ही जो है कंट्रोल कर सकते हो, इसके लिए आपको कोई IR ब्लास्टर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगली टिप उन Mi TVs के लिए जिनमें आपको गूगल प्ले सर्विसेज या फिर गूगल प्ले स्टोर की फंक्शनैलिटी नहीं देखने को मिलती है, तो ऐसे में यूजर कैसे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें अपने टीवी में वो मैं आपको बताता हूं। तो आपको जो है सिंपली अपनी पेन ड्राइव में एप्लीकेशन को डालना है अपने लैपटॉप के थ्रू, और आपको यहाँ पे सोर्स में जो है USB का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसको आप सिंपली जो है ओपन करेंगे, उसके बाद जो भी आपकी एप्लीकेशन होगी आपको वहां पे दिख जाएगी। जैसे कि इस पेन ड्राइव में मुझे जो है android.apk करके एक फाइल मैंने डाली थी, इसको जो है टैप करना है और यहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको टैप कर देना है और आपकी जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगी। अब अगर आपको अपनी इंस्टॉल एप्लीकेशन को देखना है तो आपको जो है ये मोर वाले ऑप्शन में जाना पड़ेगा, और वहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जितनी भी एप्लीकेशन इंस्टॉल है वो दिख जाएगी। जैसे कि हमने ये एप्टॉइड करके एप्लीकेशन इंस्टॉल की थी तो वो जो है यहाँ पे अपीयर हो जाएगी और उसको आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप Xiaomi का कोई भी फोन यूज़ कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे एक एप्लीकेशन देखने को मिलेगी, उस एप्लीकेशन का नाम होता है सिक्योरिटी ऐप। उसी की तरीके से जो है हमें Mi TV में भी एक ऐप देखने को मिलती है जिसका नाम उन्होंने रखा है TV मैनेजर। तो गाइस इसके थ्रू जो है आप अपनी TV को और भी फास्टर बना सकते हैं। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि इसको जो है आपको महीने में एक बार यूज़ करना चाहिए, यानी कि ये जो ऑप्टिमाइज वाला बटन है इसको आपको एक महीने में एक बार जो है यूज़ करना चाहिए, ताकि जितने भी कैश वगैरह जो पड़ा होता है या फिर जो फालतू की चीज़ें होती है जो मेमोरी में सेव हो जाती है तो वो जो है ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाती और आपका टीवी और भी ज्यादा फास्ट चलने लगता है। उसके साथ ही यहाँ पे आपको ट्रैश क्लीन का भी जो है ऑप्शन मिलता है, तो देख सकते हैं कि अभी जो है हमने ऑलरेडी ऑप्टिमाइज किया था तो मुझे यहाँ पे 0 MB बता रहा है। अगर आप 2-3 दिन यूज करेंगे तो आपको जो है वहां पे मेमोरी ऑलरेडी भरी हुई दिखेगी। उसके अलावा अगर आपको कुछ एप्लीकेशन जो है आपके टीवी में जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है उसको अगर आपको अनइंस्टॉल करना है तो आपको इस ऑप्शन पे जाके आप जो है आराम से किसी भी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। आपको सिंपली इस पे टैप करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा और आप उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ एक और लास्ट ऑप्शन की तो वो हमें मिलता है सेटिंग का। ये जो है मैं आपको फुल्ली तरीके से रिकमेंड करूंगा, वो इसलिए कि आप इसको अगर ऑटो क्लीनअप पे करके लिमिट ट्रैश साइज 100 MB रखते हैं और इसको ऑन कर देते हैं तो आपका जो टीवी है वो ऑटोमेटिकली आपके बिना टैप करे ही जो है आपकी टीवी को ऑप्टिमाइज कर देगा और आपका टीवी अच्छे से बिल्कुल स्मूथली रन करेगा। अगली टिप जो है वो आपकी Mi TV के साउंड से रिलेटेड है। तो गाइस जितनी भी Mi TVs है उन सब में आपको डॉल्बी का सपोर्ट मिलेगा, यानी कि आपकी साउंड क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी कर देगा। उसको जो है आपको इनेबल करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। सेटिंग्स में आपको यहाँ पे साउंड का ऑप्शन मिलेगा और आप उसको अगर ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको डॉल्बी का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो डॉल्बी को जो है ऑलमोस्ट ऑफ रहता है कई बार, लेकिन आप इसको जो है ऑन कर सकते हैं। जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो भाई यहाँ पे अलग अलग जो है आपको ऑप्शन दे देगा कि भाई मूवीज़ देख रहे हैं तो
मूवीज वाला ऑप्शन चूज करिए, म्यूजिक सुन रहे तो म्यूजिक वाला, तो इस तरीके से जो है आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, या फिर आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इसमें एक और ऑप्शन जो मुझे काफी बढ़िया लगा है वो इक्वलाइजर का लगा है, तो यहाँ पे जो है आपको अलग अलग तरीके के इक्वलाइजर देखने को मिलते हैं, तो आप देख सकते हैं कि भाई आप अपने हिसाब से ही जो है इक्वलाइजर को सेट कर सकते हैं। अगली जो टिप मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो भी मैं पूरी तरीके से आपको रिकमेंड करता हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भाई एम आई टीवी पूरी तरीके से स्मार्ट है, यानी कि आप जो है इसके ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, तो भाई आपको जो है सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्प्ले का ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे जो है आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो गाइज अगर मैं बात करूँ पहले ऑप्शन की जो है अडेप्टिव बैकलाइट, अगर आप इसको ऑन करके रखते हैं तो भाई ये जो टीवी है कंटेंट के हिसाब से आपके स्क्रीन का ब्राइटनेस कंट्रोल कर लेगा, यानी कि कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जिसमें ब्राइटनेस की ज्यादा जरूरत होती है तो अपने आप ब्राइटनेस बढ़ा देगा, और कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जिसमें ब्राइटनेस की ज्यादा जरूरत नहीं होती तो वो जो है ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस को कंट्रोल कर लेगा, बैकलाइट का ऑप्शन मिलेगा। तो ये जो बैकलाइट का ऑप्शन है ये भी काफी कमाल का है, इसके थ्रू जो है आप अपने ब्राइटनेस को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। नीचे वाला ऑप्शन देखेंगे तो ये सबसे लास्ट ऑप्शन है लेकिन मुझे काफी बढ़िया लगा है। तो गाइस टीवी की जो रेज होती है वो काफी ज्यादा हार्मफुल होती है, लाइक अगर ज्यादा ब्राइटनेस पे देख रहे हैं या फिर आपके बच्चे वगैरह जो है टीवी देख रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है, तो उसके लिए जो है आप ये आई प्रोटेक्शन वाला फीचर यूज कर सकते हैं। इसको आप जैसे भी इनेबल करेंगे तो यहाँ पे जो है ऑन ऑफ का ऑप्शन आएगा, और आप जो है ऑन कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि टीवी की जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी सी येलोइश टाइप की होगी, जो आप अपने फोन में जब भी आप रीडिंग मोड या फिर कह सकते हैं नाइट मोड यूज करते हैं तो उस तरीके का जो है आपका टीवी हो जाएगा। तो ये काफी अच्छा फीचर है, इसको आप अपने किड्स वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं ताकि उनके आंखों पर कोई भी असर नहीं होगा। गाइस मैं एम आई टीवी 4 के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, तो उसके कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत से ऐसे क्वेश्चन मिल लेते हैं कि भाई हमारी टीवी जो है वो प्ले स्टोर को सपोर्ट नहीं करती है, यानी कि जो पुरानी टीवीज थी जो फर्स्ट एम आई टीवी जो आई थी इंडिया में, जैसे कि ये जो मैं यूज कर रहा हूं, आपको एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है आपके यूएसबी पेन ड्राइव के थ्रू, और उस एप्लीकेशन का नाम है एप्टॉइड, जैसे कि मैं पहले भी इसको इंस्टॉल करके आपको दिखा चुका हूं। तो इसको जो है आपको इंस्टॉल करना है, उसके बाद इसको आप सिंपली ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको बिल्कुल गूगल प्ले स्टोर की तरह एक इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो यहां से जो है आप पूरी वो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं जो आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिलती है, चाहे वो यूट्यूब एप्लीकेशन हो चाहे वो कोई भी गेम हो, आप कोई भी एप्लीकेशन को जो है यहां से इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी टीवी में और आराम से एंजॉय कर सकते हैं। अगला जो फीचर हमें देखने को मिलता है वो है वॉलपेपर और स्क्रीन सेवर का, तो आपको जो है मोर वाले ऑप्शन में जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पे गैलरी वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। बाय डिफॉल्ट ये कुछ ऑप्शंस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैं ये सैंड वाला जो है वॉलपेपर लगाता हूँ, तो इस पर आपको टैप करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको सेट एज वॉलपेपर कर देना है, उसके बाद ये कुछ देर बाद जो है अपने आप ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ध्यान से अगर आप देखेंगे तो पीछे की तरफ जो है आपको ये सैंड वाला वॉलपेपर देखने को मिलता है, तो इस तरीके से आप बहुत ही सारे वॉलपेपर को यूज करके अपनी टीवी को काफी बढ़िया बना सकते हैं। अगली जो ट्रिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उसमें बहुत से लोग जो है इंटरेस्टेड रहते हैं, वो ये कि भाई कैसे आप अपने फ़ोन को अपने टीवी से कनेक्ट करके वायरलेस स्क्रीन डिस्प्ले बना सकते हैं, तो उसके लिए जो है आपको यहाँ पे अलग से एप्लीकेशन दी गई है जिसका नाम वायरलेस स्क्रीन रखा है, उस पर आप जैसे ही टैप करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको मीरा कास्ट करके एक वायरलेस डिस्प्ले का ऑप्शन मिलेगा जो कि सर्च करता है कनेक्शन के लिए। तो आपको जो है सिंपली आपके फ़ोन में जाना है, उसके बाद आपको फ़ोन में जैसे ही आप जाएंगे तो सेटिंग्स में आपको यहाँ पे मोर का ऑप्शन मिलेगा, मोर के ऑप्शन में आपको टैप करना है, उसके बाद यहाँ पे जो है आपको वायरलेस डिस्प्ले का ऑप्शन मिलेगा, तो थोड़ी देर जो है ये लोड लेगा, उसके बाद यहाँ पे आपको एम आई टीवी लिविंग रूम जैसा ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे ही आप इस पर टैप करेंगे तो ये थोड़ी देर कनेक्टिविटी के लिए टाइम लेगा, और ये जो है कनेक्शन के लिए थोड़ा टाइम ले रहा है, और आप देख सकते हैं कि मेरा जो फोन है वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया है, तो मैं जैसा जैसा अपने फोन में करके दिखाऊंगा वैसा वैसा जो है आपको इसमें देखेगा। तो इसके थ्रू जो है आप बहुत सी चीजें कर सकते हैं, यानी कि आपको अगर अपने फैमिली मेंबर्स को कुछ इमेजेस वगैरह दिखानी है तो आप जो है अपने फोन को ईजीली कनेक्ट करके जो है आप गैलरी शो कर सकते हैं, उसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जैसे गेम्स वगैरह जो है आप खेल सकते हैं, तो इस तरीके की जो है ऑप्शन हमें एम आई टी वी दे देता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, उसके साथ साथ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी हो। तो गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।